नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। कल का दिन पूरे विपक्ष के लिए बहुत बड़ा दिन था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से उनकी सजा को माफ कर दिया गया। मोदी सर ने मामले में तत्काल जो है रोक लगा दी गई है, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की सांसदी भी फिर से वापस आ सकती है। जिसके बाद आपको बता दें कि तमाम विपक्ष के जो लोग हैं वो काफी खुश थे, कांग्रेस कार्यकर्ता काफी खुश थे। और वहीं राहुल गांधी कल रात जो है लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मिलने पहुंचे दिल्ली में, जहां घंटों तक लोगों की बातचीत हुई। उसमें आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी अखिलेश सिंह भी थे, तेजस्वी यादव भी थे और मिसा भारती की आवाज पर जो है ये मुलाकात हुई है। 2 घंटे तक करीब बातचीत किया गया है कि आखिर 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उस पर आखिर किस तरीके का रोड मैप बनाया जाए कि बीजेपी को जो है हराया जा सके। राहुल गांधी कल उनकी सजा माफ हुई, जिसके बाद आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। यह मुलाकात लालू यादव की बड़ी बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती के घर पर हुआ। वहीं आपको बता दें कि करीब 2 घंटे तक जो है बातचीत चली। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ साथ ये सभी लोग थे। वहीं आपको बता दें मामला जो है वो मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को कल जो है बड़ी राहत मिली। कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी और लालू यादव के बीच यह पहली मुलाकात है। सूत्रों के मुताबिक या फिर राजनीतिक जानकार ये कयास लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बनाने पर चर्चा भी हुई होगी कल के मुलाकात में। साथ ही आपको बता दें कि दोनों नेता के बीच ये मुलाकात मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक से पहले जो है ये मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान इंडिया के संयोजक बनाए जाने को लेकर भी बातचीत हुई है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए कल का दिन बहुत बड़ा था। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और साथ ही राहुल गांधी जो है लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे, तो तमाम विपक्षी दल जो है वो एकजुट हो रहा है और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आगे की रणनीति को तैयार कर रहा है। अगली मीटिंग मुंबई में होने वाली है, संयोजक पे भी चर्चा होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है कल राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच बातचीत हुई है। करीब 2 घंटे तक जो है ये मुलाकात और बातचीत चली। उसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे, बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के, और ये तमाम लोगों ने बातचीत किया है, रोड मैप बनाया है कि आखिर किस तरीके से जो है चुनाव लड़ा जाए, आखिर किस तरीके से कहां से कौन चुनाव लड़ेगा कि 2024 में बीजेपी को जो है केंद्र की सरकार से बेदखल किया जाए, सत्ता से बेदखल किया जाए। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।